दोस्तों, आज हम मिठाई बनाने जा रहे हैं, तो बहुत ही कम मीठे की और टेस्टी इतनी कि आपका मन करेगा इसके बार बार बनाने का। सॉफ्ट इतनी कि आपको मुंह में डालते ही घुल जाएगी, इतनी सॉफ्ट मिठाई बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें कुछ ज़्यादा सामान नहीं चाहिए। एक मैंने ये फ्राई पैन ले लिया है, कढ़ाई ले लीजिए और देसी घी डाला है। देखिए, जब हम अपने हेल्थ के लिए कुछ बना रहे हैं तो हेल्थ ही की ही लेने पड़ेगा। जैसे देसी घी लिया, रिफाइंड नहीं डाल सकते हम। रिफाइंड क्या है, रिफाइंड डालेंगे तो एक तो स्वाद भी बेकार आएगा और हेल्थ के लिए हमारे लिए नुकसान है। तो इसलिए मैंने देसी घी में मखाने को हमें रोस्ट करना है। 2 कटोरी मखाने लिए हैं मैंने, अब इसे रोस्ट कर लेंगे। देखिए, हमें मखानों को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। दोस्तों, हर इंसान चुस्त दुरुस्त रहना चाहता है, तो उसके लिए अच्छी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। मखाने की आप खीर बना सकते हैं। मखाने को आप सुबह सुबह रोस्ट करके देसी घी में, आप चाय से, दूध से ले सकते हैं। अच्छी चीज़ें हमें अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए, तभी हमें अच्छी हेल्थ मिल सकती है। तो अच्छी डाइट लेंगे तभी हमें अच्छी हेल्थ मिलेगी। इसमें 1.5 गिलास दूध डाला है मैंने। दूध डालने के बाद हम इसे चलाते रहेंगे एक उबाल आने तक। जब हमारा एक उबाल आ जाएगा तब हम इसमें डालेंगे चीनी। देखिए, चीनी 1/2 कटोरी ली है मैंने। आपको अगर मीठा ज़्यादा चाहिए तो आप थोड़ी इससे ज़्यादा ले सकते हैं। चीनी इसमें हम डाल देंगे और इसे चलाएंगे। चलाते रहना है हमें, क्योंकि इसमें चलाने का प्रोसेस है। अगर हम नहीं चलाएंगे तो ये तली में लग जाएगी, किनारों पे लग जाएगा दूध, तो इसका स्वाद ख़राब हो सकता है। अब हम इसमें डालेंगे नारियल का बुरादा, या नारियल का पाउडर भी बोल सकते हैं। ये रेडीमेड है, आप चाहें तो घर में जो हमारा सूखा गोला होता है उसे कद्दूकस से कसकर और उसे देसी घी में फ्राई कर लीजिए और मिक्सी में पीस लीजिए। उसे आप डालेंगे, जो उसका स्वाद निकल कर आएगा ना, वो तो इससे भी बढ़िया आएगा। मेरे पास ये पड़ा हुआ था इसलिए मैंने इसे डाल दिया, अगर नहीं होता तो मैं उसे ही डालती। अब इसके बाद डाला है मैंने मिल्क पाउडर। देखिए, जब हम मिठाई बना रहे हैं तो मिल्क पाउडर तो हमें चाहिए, या तो मावा चाहिए। तो हमें जल्दी जल्दी, दोस्तों ये बहुत जल्दी बनने वाली मिठाई है ना, तो इसमें घंटों खड़े रहकर मावा बनाना है ना, हमें ज़्यादा दूध चाहिए ना ज़्यादा घी चाहिए। थोड़े से सामान में बहुत अच्छी मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। मिल्क पाउडर जो है वो हमारे मावे की कमी को दूर करता है, इसलिए मिल्क पाउडर डाला है। इलायची डाली है, इलायची का जो फ्लेवर निकल कर आएगा बहुत ही बढ़िया निकल कर आएगा, इलायची का फ्लेवर। 3-4 चम्मच देसी घी डाला है, उससे और बढ़िया बन के आएगी ये मिठाई देसी घी डालने से। और इसे चलाते रहना है, धीमी आँच रखनी है और धीरे 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 चलाते रहेंगे और ये गाढ़ा हो जाएगा। थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तब हम इसमें डालेंगे मखाने का पाउडर। मखाने का पाउडर डालने के लिए हमें मखाने का पाउडर एक साथ नहीं डालना, पहले हम डालेंगे 1 कटोरी मखाने का पाउडर। उसे हम डालने के बाद चलाएंगे धीरे धीरे। हमें लगेगा कि ज़्यादा पतला है तो हम जो हमारे पास पाउडर बचा हुआ है हम उसे डालेंगे। अब देखिए, थोड़ा मुझे पतला लग रहा है तो मैं 1/2 कटोरी मखाने का पाउडर और डाल दूँगी। इसे डालने के बाद हमें चलाते तो रहना ही है। चलाने के बाद ये कुछ गाढ़ा हो जाएगा और मावे जैसी शेप ले लेगा, जैसा मावा होता है ना उस तरीके की शेप ले लेगा। बिल्कुल देखने में क्या, खाने में भी आपको मावे जैसा लगेगा। तो ये चलाते चलाते मावे की तरह बन जाएगा बिल्कुल। देखिए, घर में जब हम कोई भी मिठाई बनाते हैं तो बड़े दिल से बनाते हैं, खुश होकर बनाते हैं, तो बहुत अच्छी बनती है। और बाहर की मिठाई में मिलावट होती है, आप नहीं जानते कि उसमें क्या क्या मिलाया जा रहा है। और घर में जो हम बनाएंगे वो बिल्कुल बिना मिलावट के तैयार होगी मिठाई, बहुत अच्छी मिठाई बनकर तैयार होगी, जो हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए बहुत हेल्थी होगी। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें घर में ही बनाएं हम। और ये तो एक ऐसी मिठाई है, इसमें कुछ ज़्यादा समय नहीं लगना, ज़्यादा सामान नहीं चाहिए हमें, ये हमारे घर में होता ही है। तो ये सब बनकर तैयार हो चुका है। मैंने इसे डिब्बे में, एक आप मैंने मिठाई का डिब्बा लिया है, आपके पास जो हो आप वो ले लीजिए, थाली ले लीजिए, प्लेट ले लीजिए, कुछ भी
ले लीजिए। और मिठाई का डिब्बा लिया है मैंने, इसमें बटर पेपर लगाया है और हल्का सा घी लगा के इसे फैला दिया है बिल्कुल। और हाथों की सहायता से मैंने इसे बहुत अच्छा शेप देने की कोशिश की है और चम्मच से भी की है। और चम्मच में मैंने देसी घी लगाया है इसमें थोड़ा सा चमक लाने के लिए, बहुत अच्छी देखने में लग रही है। और ड्राई फ्रूट से इसे डेकोरेट कर दिया है। देखो ड्राई फ्रूट्स आपके ऊपर निर्भर हैं, आप बादाम गिर सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, पिस्ते से इसे डेकोरेट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। क्योंकि हम अपने लिए मिठाई बना रहे हैं तो अच्छी बनेगी, जैसा आप सामान डालेंगे वैसा ही टेस्ट निकल के आएगा। तो मैंने इसमें बादाम ही डाले हैं और गुलाब के फूलों की पंखुड़ी से इसे थोड़ा डेकोरेट कर दिया है। कोई भी सामान हमें फ्रिज में एकदम नहीं रखना चाहिए, अभी ये गर्म है। अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी तो इसका स्वाद ख़राब हो जाएगा, तो हम इसे एक डेढ़ घंटे के लिए बाहर रखेंगे। और एक डेढ़ घंटे के लिए रखेंगे, थोड़ी हल्की सेट हो जाएगी, तो हम इसमें एक काम करेंगे, चाकू की सहायता से इसमें निशान लगा देंगे, ताकि जब ये फ्रिज में रखेंगे हम, सेट हो जाएगी तो इसके पीस के टुकड़े जो हैं टूटेंगे नहीं, बहुत अच्छे निकल के आएंगे। तो मैंने पहले ही पीस बना दिए इसके निशान लगा के, और अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे। डेढ़ घंटे के बाद फ्रिज में रख दिया मैंने, और फ्रिज में हमें रखना है कम से कम 2-3 घंटे के लिए, उसके बाद ही बिल्कुल सेट हो जाएगी। अब देखिए 3 घंटे बाद निकाली है मैंने लगभग, और ये बिल्कुल सेट होकर आ गई है। बर्फी का एक पीस अपने आप ही निकल के नीचे गिरा, देखिए प्लेट में, और इस तरीके से प्लेट में निकाल लेंगे। इतनी सॉफ्ट मिठाई बनके तैयार हुई है घर में। अगर आपके घर कोई मेहमान आ जाता है तो आप इस मिठाई को बना सकते हैं, बच्चों का मन कर रहा है या कभी हमारा मन कर रहा है, और तो एकदम कम सामान में बनने वाली मिठाई है। और सॉफ्ट इतनी है कि आप मुँह में डालेंगे ना तो एकदम घुल जाएगी। और देखिए जब तक हम कोई भी चीज़ ट्राई नहीं करते ना घर में, तब तक हमें पता नहीं चलता कि ये बनी कैसे है, इसका स्वाद क्या है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और दोस्तों राधे राधे, अपना ध्यान रखिए।